जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, मुझे तो दिख रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने मूविंग एवरेजेस के पास से सपोर्ट लेकर आज घूम रहा है, तो शायद एंट्री के लिए बड़ा अच्छा मौका है। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, शैल जी, जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मुझे बहुत इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर देखने को मिल रहा है, और जिस लेवल से अभी यू टर्न ले रहा है 365 से, मेरा मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट बेट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आपका स्टॉप लॉस जैसा डीप रहेगा 330 का, 376 पे ट्रेड कर रहा है, पर अगर आप 6-8 महीने देते हैं तो मेरा मानना है कि ये 520-540 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके से ये पिछले 1.5 साल से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक बार ये रेंज निकल जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है तो इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही देखना चाहिए। चलिए यादव साहब, ये प्रश्न आपके लिए है और आप जरा चार्ट बनाइए अपने कंप्यूटर टर्मिनल पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद इसमें एक बाउंस बैक आ रहा है, जैसा कि प्रदीप जी ने बताया आपको, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ कमी देखी गई और इनके जो इनपुट कॉस्ट हैं उसमें उसके बहुत अहम किरदार होता है। आपकी राय पिडिलाइट पे लगभग 1238 रुपये के आसपास दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर चलता हुआ और 4 दिन की गिरावट के बाद? देखिए शैल जी, एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है पिछले 4 दिनों का, और वो लेवल है 1203-1204 की, और ये लेवल बहुत ही अहम है क्योंकि यही ब्रेकआउट लेवल थी जिस दिन इसने एक ब्रेकआउट दिया था, तारीख थी 26 मार्च की, तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा बेस है, रिस्क रिवॉर्ड में एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, तो मेरा मानना है कि ये बाय करके चलना चाहिए। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए पोजिशनल व्यू अगर लेते हैं अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस का, तो मेरा मानना है कि 1270 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। अब सद्भाव इंजीनियरिंग, और अगर कालरा साहब इसे आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय उसके बाद लेंगे। सद्भाव इंजीनियरिंग ने एकदम एक वर्टिकल रैली हमने देखी थी फरवरी सीरीज में, और उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन का अभी अपमूव वापस चालू हो गया, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं टेक्निकली इसको। मेरा मानना है कि 226 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल व्यू ले, जो हमने मूव 150 से 250 की, 100 रुपए की मूव देखी थी, इधर से वापस एक 70-80 की मूव देखने को मिल जानी चाहिए करंट लेवल से, तो आपका टारगेट करीबन 320 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए अगले 8 से 10 दिनों के अंदर, तो ये बाय कैंडिडेट है पोजिशनल व्यू। इस चार्ट पे भी नजर डालिए, क्या लगता है आपको इस हफ्ते इसने जबरदस्त मूव दिखाया है? डायरेक्टर साहब एक बार वीकली चार्ट भी लाइएगा। किरण, क्या है आपकी कॉल, क्या है टारगेट्स? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है प्रदीप जी, वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स, और जहां जिस तरीके से ये हाई बीटा काउंटर है जो मोमेंटम देता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अभी भी खरीदी किया जा सकता है। मेरा स्टॉप लॉस अभी 2540 का रहेगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और आपको सोमवार को करीबन ये 2620-2630 के लेवल दिलाता नजर आ जाएगा। इस चार्ट पे जरा नजर डालिए, स्टॉक ने पहले एक जबरदस्त तेजी दिखाई, फिर करेक्शन में मौका दिखाई दे रहा था, आज तो हमने फिर से यहाँ पर बाइंग का कॉल लिया है, क्या देखते हैं आप? देखिए, एक अच्छी मूव सवेरे देखने को मिली थी, उसके बाद ये कंसल्ट कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए, 61 का स्टॉप लॉस या 60 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि 67-69 के टारगेट्स आपको बुधवार तक देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। 67 लेना बेहतर रहेगी। क्या एक शॉर्ट कॉल है IOC BPHP के सामने? बिल्कुल, ऊपर में लॉन्ग ट्रैप हो चुके हैं, उनकी लॉन्ग कवरिंग की वजह से ये और नीचे जा सकता है, मेरा मानना है कि ये करीबन 149-148 के लेवल्स मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे ही हिंद पेट्रो में देखे तो इधर एक ठीक ठाक रुझान है, मेरा मानना है कि जो अभी कालरा साहब बात कर रहे थे वैसे ही है, HPCL BPCL स्ट्रांग है, पर अगर दोनों का चॉइस देते तो मैं HPCL को बाय करने की सलाह दूंगा। इधर मेरे टारगेट्स रहेंगे करीबन 288-290 के, और अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 276 का। 2 वीक हाई पे कल सुबह करीबन 10:30 बजे 10:25 के आसपास आपने ये कॉल दी थी, वहां से यहां तक कितनी कमाई हुई जरा अपडेट कीजिए और अब क्या कॉल है? बहुत स्ट्रॉन्ग कमाई हुई है, तब रेट करीबन 790-795 के करीब था, और अभी 824 है, और शैल जी ने मुझे पूछा था कि नेक्स्ट सीरीज में कौन सा स्टॉक रहेगा, एक चॉइस है आपका, तो मैंने कहा था अरबिंदो फार्मा, और जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, करीबन 8 महीनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, शायद ज्यादा ही है, तो मेरा मानना है कि ऐसे स्टॉक्स बहुत भागते हैं, और मेरा टारगेट अभी इसमें करीबन 950 का रहेगा,
इस सीरीज के लिए, मई सीरीज के लिए। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही बेहतरीन काउंटर है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, मेरा स्टॉप लॉस 800 रुपए के नजदीक है और करीबन 940-950 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, क्या बता रहे हैं, इस बार ब्रेकआउट हो जाएगा क्या? ऑलरेडी अगर मैं देखूं तो देखिए क्लोजिंग के हिसाब से इसकी अब तक हाईएस्ट क्लोजिंग जो रही है वो 408.40 रुपए के करीब थी, तो वहां तक तो हम पहुंच ही रहे हैं, और वो नहीं हुआ तो वीकली क्लोजिंग तो ये हाईएस्ट होने वाली है, तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से तो ये ब्रेकआउट फिर पकड़ना ही चाहिए, क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से हाईएस्ट क्लोजिंग हो रही है और जहां पे अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, आपके फॉलो शैडो इंडिकेटर्स भी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको पोजिशनल के हिसाब से बाय करके रखना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आपका स्टॉप लॉस रहेगा 398 का 398-399 का, और टारगेट्स के लिए मैं बोलता हूं कि अगले एक हफ्ते का अगर व्यू लेते हैं तो 425 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने से कम से कम। ट्रेड एट 3 लेने का वक्त थोड़ा सा निकल गया है, लेकिन बताइए क्या है आपका ट्रेड एट 3? थोड़ा सा टाइम वर्क भी निकल गया और मेरा टारगेट भी करीबन आ गया। जब मैंने ये कॉल दिया था तो पिरामल एंटरप्राइजेस में बेचने की सलाह दी थी, 2450 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 2400 मेरा पहला टारगेट था, 2380 दूसरा टारगेट था, पर फिर भी ये बेच के ही चलना चाहिए। रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आने के बाद जो ऊपर पुलबैक आया था उधर लोग ट्रैप हो चुके हैं और इधर से बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट देखने को मिल रही है, सेलिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और पहले ही इसने 3 दिन पहले इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट नेकलाइन को कट किया था, उसकी वैल्यू थी करीबन 2560 की। तो आपको बेरिश पैटर्न है और आज के लिए अभी भी बेच के चलना चाहिए, आज के लिए 2360 के लेवल्स, फ्यूचर लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 2360 के लेवल्स आज देखने को मिल जाने चाहिए और इवेंचुअली आप 2300-2250 ये अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। काफी वीक पैटर्न है, बेच के चले। समीर रेट पे किरण जरा नजर डालिए, नए हाईस पर है तो इस समय पोजिशन तो बनी रहेगी, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस अब रखेंगे? अभी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है वो था करीबन 66 का ब्रेकआउट लेवल था, तो 65 या 64 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। मेरा मानना है कि जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे वो करीबन 74-75 के देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते तक। कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न टारगेट्स आप इस पे बनते हुए देख रहे हैं क्या? आज ये जो इस समय हम लेवल्स देख रहे हैं एमसीएक्स के लिए, ये मेरा ख्याल है कि सितंबर के बाद करीब 6 महीने के हाईस पर ये स्टॉक है। बिल्कुल, ये भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और इसका टारगेट करीबन 900-910 के देखने को मिल जाने चाहिए। 842 पे ट्रेड कर रहा है, 820 का ही स्टॉप लॉस लगा है, यानी इधर से 20-22 रुपए नीचे, और जैसे मैंने कहा आपको 920-930 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये ट्रेड करीबन अगले 6-7 ट्रेडिंग डेज का रहेगा। देखिए टाटा एलेक्सी चार्ट पैटर्न बहुत वीक है और मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा, इसमें 950 का एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल इसने तोड़ दिया है, तो मेरा मानना है कि ये हेड कर रहा है करीबन 884-885 लेवल्स पे। जहां पे हेक्सावेयर की बात है, हेक्सावेयर एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, राइजिंग ट्रेंड लाइन पे कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है पिछले साल नवंबर से, तो मेरा मानना है कि इसकी ट्रेंड लाइन की वैल्यू है, अभी उसकी वैल्यू करीबन आती है 327, पर मेरा मानना है कि ये बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और पोजिशनली ये आपके टारगेट्स 365 के आपको मंगलवार तक देखने को मिल जाने चाहिए, और इसके ऊपर जब जाएगा तो ये एक अगला ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर टारगेट्स 420-430 के देखने को मिल जाएंगे। तो जब तक 327 के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग पोजीशंस ही बनाने चाहिए हर डिप। ओके, तो ये क्या यही व्यू आपको चार्ट देख के भी नजर आ रहा है कि इनसे फिलहाल दूरी रहें और बल्कि निकलना हो या बेचना हो तो हीरो मोटो बेच के चले? बिल्कुल बेच के चलना चाहिए, हर रैली हमने देखी है कि छोटे सा अपमूव आता है और जितना अपमूव आता है उससे डबल आपको डाउनमूव देखने को मिल रहा है, ये हमने पिछले करीबन 1.5-2 साल से देखते आ रहे हैं, और अभी का जो बॉटम है ये करीबन 2515-2520 के लेवल्स थे, तो ये वापस एक बार टेस्ट होंगे और उसके नीचे भी जाने की उम्मीद है, शायद हम 2450 के लेवल्स भी टेस्ट करते नजर आएंगे आते दिनों में। टीवीएस के बारे में करें तो रिलेटिवली टीवीएस मोटर मुझे अच्छा देखने को मिलता है कंपेयर टू हीरो मोटो, इधर एक लेवल रिजल्ट के बाद देखनी है वो है 522 के ऊपर अगर चलता है रिजल्ट के बाद तो बाय करके चलना चाहिए, आपके टारगेट्स 550-560 के देखने को मिल जाने चाहिए, और 522 के ऊपर जब मूव आएगी तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 518 का रखना चाहिए।
ओके, तो ये जो मेघमणि पे जबरदस्त कॉल दी थी उसका इम्पैक्ट देखिए, दिन के हाईस पे बंद होने जा रहा है, 69 के लेवल अब मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पर वॉल्यूम तकरीबन 3 दिन के वॉल्यूम के बराबर हो चुके हैं, ये 5 महीने का नया क्लोजिंग हाई का लेवल जहाँ पर आज ये बंद हो रहा है, तो पोजिशन होल्ड करके जाएंगे? प्रदीप जी, ये क्रेडिट आपको है, मुझे नहीं, आपने ये स्टॉक ढूंढा था, और पर ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, ये कोई डाउट नहीं है। मैंने तब स्टॉप लॉस मैंने 64 का कहा था, अभी स्टॉप लॉस 66.50 का करे, होल्ड करे पोजीशन, और जैसे मैंने कहा आपको 80 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे, 75 to 80 के लेवल्स।